अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इफ्राज पैंदर डिज़ाइन। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस के फुल वीडियो शेयर किया करें, क्योंकि प्रीवियस टाइम मैंने जब अपलोड किया था और वीडियो मैंने नहीं बनाई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। फिर मुझे अलग से वही वन हैंड पे वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए मुझे बनानी पड़ी। ये हमारी रियल ब्राइड हैं और सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रख के और बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो सेंट्रलाइज हो और आगे पीछे नहीं हो। जो आप थीम रखना चाह रहे हैं डिज़ाइंस की, वही थीम आपकी क्रिएट हो। यहाँ पे मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ और फिलिंग मैं थोड़ा थोड़ा करके बाद में करूँगी। वैसे वीडियो बनानी थी तो साथ साथ मैं फिलिंग भी करते जा रही थी, अदरवाइज़ मैं फिलिंग छोड़ देती हूँ, हमारे एक्सपर्ट हैं वो आगे फिलिंग कर लेती हैं। और जो गर्ल्स मुझसे पूछ रही थी कि आप मेहंदी की प्राइस साथ साथ बताते भी जाया करें कि आप क्या प्राइस लेती हैं, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या प्राइस लेती हूँ। आप लोगों को ये नहीं देखना है, आप लोगों के एरिया में क्या प्राइस चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको भी प्राइस लेनी है। और आप एक न्यू मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मतलब न्यू न्यू इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो ऑब्वियसली उस वक्त आप बिल्कुल हाई प्राइस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास क्लाइंट नहीं आएंगे और वो आपका वर्क नहीं देखेंगे तो फिर किस तरीके से क्लाइंट बनेंगे। तो अगर आपकी प्राइस कम रहेगी और आप क्लाइंट को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर देंगे तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट जो है वो 10 क्लाइंट को लेकर आएंगे। फाइनली यही है कि एरिया के अकॉर्डिंग आप प्राइस रखा करें। अब आती है मेरी बारी कि मैं क्या प्राइस लेती हूँ अपने एरिया में और हमारा पॉलर कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले कि हमारे जो पॉलर है वो ओरंगीटॉन कराची ओज ब्यूटी पॉलर के नेम से। दूसरा ये कि ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन जो है वो है 7000 से स्टार्ट में करती हूँ। ब्राइडल मेकअप जो है हमारे इनके कम प्राइस है, अभी 12000 है, लेकिन हम कंसेशन कर देते हैं क्योंकि हमारे जो पॉलर ओपनिंग हुई है 1.5 ईयर हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं हुए, तो स्टार्टिंग हमें कम प्राइस इसलिए रखे हैं ताकि हमारे पास लोग आएँ, वर्क देखें, इसके बाद वो बाउंड हो जाएँ और आप अपना जो वर्क है फुल एफर्ट लगा के काम करें। मैं भी करती हूँ तो फुल एफर्ट लगा के, क्योंकि हम प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं, चाहे आपकी मेहंदी हो या मेकअप से रिलेटेड, मेकअप में तो बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस इन मामलों में कि आपकी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ किया जाए। रही बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों इतनी ब्रांडेड यूज़ करें, तो ऑब्वियसली आपके पास जो क्लाइंट आते हैं तो उनको लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहिए होता है, आपके हेयर डू चाहिए होता है, मतलब कि एक मेकअप करवा रहे हैं एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स वो चल जाए। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करने से इंसान ख़ुद भी सेटिस्फाई रहता है और इस तरह क्लाइंट भी सेटिस्फाई रहते हैं और उनको वर्क भी पसंद आता है। जो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत से मैंने देखा है कि लोग अपने प्रॉफिट के चक्कर में बहुत लो प्राइस के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, लेकिन वो उस वक्त तक तो मेकअप अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है कि वो बेस ग्रे हो जाता है या आपके जो मेकअप है वो लुक बाद में नहीं आती। जो कराची में रहते हैं वो ज़रूर आए हमारे पॉलर विज़िट करें। ठीक है, हमारे जो पॉलर है बहुत अच्छा वर्क है, अभी स्टार्टिंग ही है लेकिन इतना फेमस नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा हमारा वर्क है। ओज ब्यूटी पॉलर के नेम से हैं, आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमें सपोर्ट करें और वहाँ पे वर्क आप देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ओज ब्यूटी पॉलर में पार्टी मेकअप ओनली ऑन 1000 रुपीज़ में, मॉडल मेकअप आपको 1500 में विथ फ्रंट हेयर स्टाइल, दोनों में फ्रंट हेयर स्टाइल के साथ हैं। और मॉडल मेकअप में बेस जो हम काशिश की बेस बनाते हैं, तो अभी की जो प्राइस है वो यही चल रही है, आगे का हमें नहीं मालूम कि आगे हम इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्राइस है वो यही चल रही है। आप लोग कहेंगे कि ये मेहंदी आप लगाने बता रही हैं और उसमें मेकअप के बाद भी डिस्कस कर रही हैं, तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आपका सलून कहाँ है, आपका पॉलर कहाँ है, काइंडली आप बताएँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल दे रही हूँ, क्योंकि अलग अलग से फिर मैसेज करके बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। और ब्राइडल मेकअप की जो अभी प्राइस चल रही है वो 12000 है, लेकिन हम कंसेशन करके फाइनल 9000 कर देते हैं, जिसमें आपका मेकअप, हेयरडू, नेल्स, ज्वेलरी सेटिंग, दुपट्टा सेटिंग वगैरह आ जाते हैं। अब आ जाते हैं मेहंदी की तरफ, के पॉलर की बातें बहुत हो गई हैं, मेहंदी की तरफ आ जाते हैं। किसी गर्ल ने मुझे ये कहा कि आप एक ही तरीके के डिज़ाइन से क्रिएट करती हैं, आपके एक ही डिज़ाइन होते हैं और आप जो है कुछ अलग डिज़ाइन क्रिएट क्या करें।
सबसे पहले वो वीडियो जिसने भी कहा है वो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर लिया करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैं डिवीजन करके सब चीज़ें मैंने वहाँ पे शो की हुई है कि काशिज़ इंस्पायर मेहंदी डिज़ाइन क्लासेस हैं और अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन और मेरे ख़ुद की जो डिज़ाइंस है वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो ब्राइड आती हैं तो उनको जिस टाइप की डिज़ाइंस की नीड होती है, जो डिमांड होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं। ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन जब मैं लगाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, लेकिन आपको पता है कि ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस लगाना और साथ साथ वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बनाती हूँ। लेकिन आप लोगों के इतने रिक्वेस्ट आते हैं कि आप प्लीज़ बता दिया करें या वीडियो थोड़ी सी बना दिया करें ताकि हमें भी समझ में आ जाए किस तरीके से आप डिज़ाइंस क्रिएट करती हैं। तो बाकी सबकी अप्रिसिएशन और मुझे बहुत मोटिवेट करती है, जिस वजह से मुझे हिम्मत आ जाती है कि आप लोग के लिए कुछ मेहनत कर लूँ। इसके अलावा जिसने क्वेश्चन किया था जिसने भी कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस आप कहाँ देती हैं, तो फ्री ऑनलाइन क्लासेस ओनली ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल जो आप लोग देख रहे हैं, और पेड ऑन क्लासेस जो है आपको फीस के साथ वो है पर्सनली क्लासेस, जिन्हें यहाँ पे औरंगे में आना मतलब कराची में मुश्किल हो जाता है और जो आउट ऑफ सिटी हैं तो उनके लिए पेड क्लासेस अवेलेबल हैं। जो चार्जेस है वो भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग चार्जेस भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे। 20,000, ठीक है, 20,000 है। 2 मंथ का कोर्स है, मंडे टू थर्सडे क्लासेस है। टाइमिंग जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तकरीबन रात की टाइमिंग हम रखते हैं। और 3 मंथ का जो कोर्स है वो 30,000 है, मंडे टू थर्सडे क्लासेस है। और जो हमारे यहाँ ख़ुद आके अपने इंस्टीट्यूट में जो क्लासेस लेते हैं वो काफ़ी कम प्राइस में 50% डिस्काउंट में, तो जो औरंगी टाउन कराची में रहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। माशाल्लाह से यहाँ पे इतने स्टूडेंट सीख के गए हैं और माशाल्लाह से इंस्टीट्यूट ओपन भी कर लिया बहुत से, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस लगा भी रही हैं और किसी को हमने हायर भी कर लिया है कि जब नीड होती है तो हम बुला लेते हैं अपने स्टूडेंट को। आई होप आपके जो माइंड में जो भी क्वेश्चन था, जो भी क्यूरी थी वो क्लियर हो गई होगी। और जो जो इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी प्रैक्टिस शेयर करते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो प्लीज़ नाराज़ नहीं हुआ करें, क्योंकि जो आप लोग मिस्टेक करते हैं वो मैं अपनी वीडियो में किसी न किसी वीडियो में वो आपसे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअली रिप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर किसी को करती हूँ किसी को नहीं करती हूँ तो बहुत से लोग नाराज़ हो जाते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। सो काइंडली नाराज़ नहीं हुआ करें बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन बार बार किया करें, अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ या रीड आउट नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे मैसेजेस करते रहा करें, कभी ना कभी मेरे माइंड में या मेरे नेकेड आई से मैं कभी ना कभी देख लूँगी वो आप लोग के मैसेजेस, तो किसी न किसी वीडियो में वो चीज़ें आपके क्लियर कर दूँगी। बाय द वे, जो मुझे प्रैक्टिस शेयर करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग वो चीज़ वर्क कर रहे हैं, ये नहीं है कि अनसीरियस ले रहे हैं और सीरियस ले के वर्क कर रहे हैं। और कुछ मेरी सब्सक्राइबर में अच्छे खासे लोगों ने कहा है कि आपके जो यूट्यूब चैनल में देख देख के हम काफ़ी हद तक सीखे हैं और थोड़ी बहुत जो लगाने आती थी वो हमने किया और आज हमने ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस भी लगाई, पसंद भी आई, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा एक ऐसा लगता है मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग मिले हैं और फिर इतनी ज़्यादा इनक्रेजमेंट होती है कि क्या बताऊँ। सो आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी बातें आप लोगों को कुछ मोटिवेट की होंगी। और इसके अलावा आप लोग हिम्मत नहीं हारा करें, क्या करें, और कुछ जो गर्ल्स हैं वो मुझसे पूछती हैं कि यूट्यूब चैनल जो आप बनाई हैं उसमें क्या अर्निंग होती है, तो ऑब्वियसली अर्निंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आपको यूट्यूब चैनल बनाने के लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करना है और हिम्मत नहीं हारना। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब डिसहार्ट होंगे, फिर सोचेंगे कि यूट्यूब चैनल जो ग्रोथ नहीं हो रहा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी, करते नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, जो चीज़ मैं किसी से शेयर कर रही हूँ तो वो हॉनेस्टली शेयर करूँ, अपने पास कोई टिप्स नहीं रखूँ, कोई सीक्रेट नहीं रखूँ। तो बस वर्क मैंने जो किया है यूट्यूब चैनल में, कभी भी मैंने ये नहीं सोचा है कि मुझे अर्निंग मिलेगी इसी वजह से मैंने किया। मैंने ये सोचा है कि जब मैं किसी को सिखा रही हूँ या किसी को टीच कर रही हूँ तो हॉनेस्टली टीच करूँ, अगर कर रही हूँ तो ठीक से करूँ, अगर नहीं कर रही हूँ तो बिल्कुल ही ना करूँ। सो यहाँ पर बातें शातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अब आप देखें फाइनली ये ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइंस कंप्लीट लग चुकी हैं और यहाँ पे आप देखें मैं हैंड को मतलब आपको पता है कि ब्राइडल मेहंदी हैंड जो है 4 साइड मतलब चारों साइड से कवर होती है राउंड में, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 70% मैंने वर्क कर दिया।
और ये है फुल मेहंदी डिज़ाइंस, ये पार्ट वन करके मैंने आपसे शेयर करूँगी, और पार्ट टू जो है वो पाम साइड पे डिज़ाइंस वो क्रिएट करूँगी, और पार्ट थ्री जो है वो है फिट मेहंदी डिज़ाइन जो कि मेरी सिस्टर के चैनल में अपलोड होगा ओज सेंटर के नेम से, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। इस टाइप के डिज़ाइंस बहुत ही बहुत ही बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और पिक्चर्स में बहुत क्लियर नीट एंड क्लीन नज़र आते हैं, और हमारे क्लाइंट की तकरीबन डिमांड ही इस टाइप में होती है कि आप जो है नेगेटिव फिलिंग या थोड़े से थिक बारीक इस तरीके से करके लगाया करें ताकि हमारी जो इवेंट है बारात वलीमा दोनों वो निकल जाए। फिट मेहंदी डिज़ाइन सिस्टर ने लगाई है बहुत ही खूबसूरत, आप ओ सेंटर चैनल हैं उन्हीं के इसमें देख सकते हैं। सो मुझे इजाज़त है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज़।